जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं यहाँ पे फिजिक्स का फाइनली असली पेपर रुक जाना नहीं परीक्षा का हमारे पे 9:57 पर प्राइवेट ग्रुप में आ चुका है और इसको मैं PDF बना के आपको वीडियो बना के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और इसका सोल्यूशन भी है जो कि मैं रफ में लिखा हूँ और मेरे को याद तो नहीं है तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा वीडियो के पेपर दिखाने के बाद। तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ ये प्राइवेट ग्रुप में आ गया है तो मैं इसको वीडियो बनाऊंगा। चलिए दिखा देता हूँ आपको पेपर और सोल्यूशन के साथ। तो मैं पूरा फुल सोल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा बता दूंगा तो आप लास्ट तक जरूर बन रहे। तो विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हो, यह आपका टेलीग्राम पर लीक हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो 19 क्वेश्चन होने वाले हैं, 70 अंक का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटा समय रहेगा, 8 पेज होने वाला है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में पेपर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो 210 आपका कोड है और यहाँ पे देख सकते हो यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। यह पूरा हमारे टेलीग्राम पे अभी प्राइवेट ग्रुप में आया था तो अभी कोई यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पूरा उत्तर के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो संपूर्ण सोल्यूशन बताऊंगा तो वीडियो लास्ट तक बने रहें, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं फुल सोल्यूशन के साथ वीडियो बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना, एक एक अंक के 7 प्रश्न होने वाला है और 7 अंक मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखना। यहाँ पे देख सकते हो पहले नंबर है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी तो किसने की थी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्टेट ने। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है तो आपको यहाँ पर 90 अंक लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होती है तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा, यहाँ पे कुंडली का प्रतिरोध। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हो ज्यामिति छाया में प्रकाश के आंतरिक क्रम को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको लिखना है तो विपतन, जो कि आपको 2 नंबर पे है। इसके बाद यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है तो आपको यहाँ पर बैगनी रंग के लिए होती है तो यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो आप अनुयोग प्रेरण, जो कि आपको 2 नंबर पे है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ताप बढ़ाने पर अर्ध चालकों की चालकता यहाँ पे चालकता होती है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर हो जाएगा घटती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है, इंग्लिश वाले भी अपना स्क्रीन शॉट ले लेना है तो इसको आप अच्छे से लिख लेना। मैं इंग्लिश वाले के लिए यदि बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यकीन बताऊँगा, इसलिए आप ऑलरेडी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर उत्तर बताते जाता हूँ, यहाँ पर मैं बोल दूंगा तो लिख लेना। यहाँ पर देख सकते हो पहला नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति करना, जो कि एक अंक के 7 प्रश्न यहाँ पर भी होने हैं। यहाँ पर लिखना है पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खाली स्थान हो जाता है तो आपको ये 2 नंबर है तो आपको बताना है क्या हो जाता है, तो घट यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ता है लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान क्रमानुपाती होता है तो प्रेरित विद्युत पाठक बल, इसको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कांच में बने किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी खाली स्थान हो जाती है तो बढ़ जाती है, इसका आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आकृति खाली स्थान होनी चाहिए तो समान होनी चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो फोटॉन का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान के नियम से ज्ञात की जाती है तो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है, जो कि वीडियो के अंत में लिखाया मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रकाश तंतु खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने है तो इसको पूरा लिख लेना है, लिखने के बाद आपको क्या करना है ये देख लीजिए, आपको सही जोड़ी मिलाना है तो सही जोड़ी आपको कैसे करना है मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको लिख के लाया हूँ लास्ट में और यहाँ पे बता भी देता हूँ। पहले नंबर देख सकते हो चुंबकीय आघूर्ण का आपको AM² ये जो कि आपको लास्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो चुंबकनशीलता की तीव्रता है तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर इसको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर परावैज्ञानिक किरण है तो इसका आपको ओजोन परत। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो चुंबकीय फ्लक्स तो आपको चुंबकीय फ्लक्स का अदिश राशि अदिश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गामा किरण है तो गामा किरण क्या होती है तो गामा किरण आपका बता दूँ कि ये आपका B नंबर पे है। इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला गामा किरण का सर्वाधिक हो जाएगा, इसका गामा किरण का ऊपर वाला B हो जाएगा और नीचे वाला आपको इसका ऊपर वाला हो जाएगा।
इस तरीके से आपको मिला लेना है। तो विद्यार्थियों इसके बाद आपको, चलिए मैं लास्ट में ऑलरेडी निकाल लिखा है, मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे समय बर्बाद मत कीजिए। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो मैं यहाँ पे तो बोल दूंगा, बाकी वीडियो के अंत में तो ऐसे लिखा लिखा है मिल ही जाएगा। तो एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, तो यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न मिल जाएगा, किसी धारावाहिक प्रति प्रति परिनलिका में सदिश चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र लिखना है, तो केवल एक परिपथ जो कि इसको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। दो नंबर है, किस प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाहगीन हो जाती है, इसे लिखना है। पीएन संधि में अवच्छ परत की मोटाई किस कोटि की होती है, तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी अच्छे से लिखने के बाद आपको चार नंबर आ जाता है, अडेंस का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है, तो इसको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। AND गेट के लिए बुनियन व्यंजक लिखना है, जो कि वीडियो के अंत में मिल जाएगा। प्लाक नियतांक का मात्रक तथा बीमी सूत्र लिखना है, जो कि वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हो, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगे उपयोग की जाती है, तो आपको प्रावैज्ञानिक किरणें। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ कि इसको इंग्लिश वाले लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 आता है, तो 5 में आपको अथवा सही उत्तर बताऊंगा। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कीजिए एवं इसका सही मात्रक लिखिए। दो अंक की प्रश्न होने वाला है, दो अंक यहाँ से मिलने वाला है, कम से कम 30 शब्द में लिखना होगा। इसके बाद इसका अथवा यहाँ पे देख सकते हो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई दो गुण लिखना है, तो इसका भी उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। दो अंक होने वाला है, एक को लिखना है, जो मर्जी उसको लिखना है। 6 नंबर देख लेना, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के संबंध, इसको आपको 6 नंबर है, दो अंक होने वाला है। इसका अथवा है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखते हुए इसका सही मात्रक एवं बीमी सूत्र लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है। इसका दो अंकी है, दो अंक में एक को लिखना है, दो अंक यहाँ से मिलने वाला है। 7 नंबर देख सकते हो, अमीटर और वोल्टमीटर में कोई दो अंतर लिखना है, तो और इसका अथवा एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए, ये दो में से आपको एक को लिखना है, दो अंक यहाँ से मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से लिख लेना। 8 नंबर यहाँ पे देख सकते हो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधित नियम लिखना है, जो कि बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, जो कि दो अंक है, अच्छे से लिखना है, दो अंक यहाँ से मिल जाएगा। 9 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बहुत अच्छे से लिखना है, 9 नंबर है। इसके बाद 18 नंबर देख सकते हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यकता शर्त लिखना है, जो कि आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो, 10 नंबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ये आपको दो अंकी प्रश्न होने वाला है, बहुत अच्छे से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, प्रकाश तरंगे के अवधारणा अध्यारोपण का सिद्धांत लीजिए, इसका भी वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा। 11 नंबर देख सकते हो, ओहम का कक्षा संबंधी क्वार्ट प्रतिरोध लिखना है, जो कि वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होगा, तो इसको भी उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा, अथवा वाला है 11 का है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, 12 नंबर है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न में कोई दो अंतर लिखना है। इसका अथवा देख सकते हो, अर्धचालक युक्तियों की दो विशेषताएं लिखिए, इसका भी उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पर समांतर प्लेट और संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, जो कि इसको वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, गैस का प्रेरित लिखना है एवं सिद्ध करना है, तो अथवा वाला मत लिखना, ऊपर वाला लिख लेना, 3 अंक होने। 4 नंबर आपको देख सकते हो, खिंचाव के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन हेतु का सिद्धांत कीजिए, और ये आपको 3 अंक का होने वाला है। 18 नंबर है, किसी विद्युत परिपथ के लिए इसको लिखना है, तो आप बाकी उधर ध्यान नहीं देना, मेरे ऑफिस के पास यहाँ पे बच्चे आए हैं, तो वहाँ हल्ला हो रहा है, उधर ध्यान मत देना। 15 नंबर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद आपको 15 के बाद अथवा नंबर लिखना है, 12वीं भविष्यवाणी वाला प्रतिबंध लिखना है, तो इसको आपको ऑलरेडी बनी जाएगा। 16 नंबर यहाँ पे देख सकते हो, किसी गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना करना, जो कि आपको 2-3 अंक ही होने वाला है। इसका अथवा दो लेंस जिसकी फोकस दूरी, या आपको इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत अच्छे से इसका उत्तर मिल जाएगा। 17 नंबर देख लेना है, 18 नंबर देख लेना है, सभी का आपको ट्रांसफॉर्मर के प्रकार भी बताना है, ये सभी बिंदु बाय बिंदु लिख लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो, अथवा नंबर लिख लेना है, इसके बाद 19 नंबर। चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, इसके बाद आप पेपर तो हो गया। यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, तो पहले में आपको ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, और दूसरे में 90 हो जाएगा, तीसरे में कुंडली का प्रतिरोध हो जाएगा, चौथे में बैगनी। यहाँ पे आप देख लेना, ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप देख लेना, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख लेना है प्रश्न क्रमांक 2, जो कि आपको रिक्त स्थान में था, तो इसको आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लेना है बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 3 नंबर, जो कि सही जोड़ी में बहुत अच्छे से मिला दिया था, तो इसको आप 7 नंबर यहाँ से मिलने वाला है, तो बहुत अच्छे से आपको लिख लेना, ताकि 7/7 यहाँ पे आपको मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जो कि 4 नंबर, जो कि एक वाक्य था, तो इसको तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो, 2 ये हो गया, और
3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपका रहा। यदि इसमें समझ ना आए तो मैं एक ही बना दिया हूँ, ये देख सकते हो। पाँच